नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज शुक्रवार के दिन हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और आने वाला कारोबारी सप्ताह किस कम्युनिटी के लिए कैसा रह सकता है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि सोना आज इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर $1942 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। कल के मुकाबले आज सोने में देख रहे हैं कि बढ़त देखने को मिल रही है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी $25 पर सस्टेन हो रखी है। गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही तेजी के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। दरअसल ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई वाली जो स्थिति है, अब बात न्यूक्लियर अटैक पर भी आ चुकी है कि अब न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा, तो ऐसे में सोने चांदी की जो सेफ हेवन डिमांड है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। ऐसी जब परिस्थितियां बनती हैं, कोई भी आपातकालीन स्थितियां बनती हैं, तो ऐसे में सोने को सुरक्षित निवेश के तौर पर माना जाता है। और जो कंट्रीज होती हैं वो भी अपने पास सोने का जो भंडार है वो भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में सोना ही काम आता है। इसकी वजह से सोने चांदी में देख रहे हैं सेफ हेवन डिमांड का दौर है और सोने चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर घरेलू वायदा बाजार कैसा रहेगा और खरीदारी करके चलना सही रहेगा या बिकवाली करके, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। ठीक, शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी कम्युनिटी बाजार में तेजी के साथ ही ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। सोना $1942 पर निकल चुका है और चांदी $25 के ऊपर सस्टेन है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इसका असर घरेलू वायदा पर भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स तो यही बता रहे हैं कि जो सोना है अब 52,000 के भी पार जा सकता है। आपकी क्या राय है? देखिए, घरेलू बाजारों में सोना ऑलरेडी 52,000 के पार जा चुका है और हम देख रहे हैं कि इसको 52,000 के ऊपर आज अप्रैल वायदा ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ से जो ट्रेंड बनता दिखाई दे रहा है $1942 के आसपास अभी हम देख रहे हैं इसको, $1960 तक एक अपसाइड है। 1960 के ऊपर अगर सस्टेनेबिलिटी आती है तो 1980 से 2000 का तक भी संभव है, क्योंकि जिस तरीके से अभी स्थितियां देखने को मिल रही है उसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते सोना महंगा होता नजर आ रहा है। और यहाँ पर सोने के अंदर अब खरीदारी और ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी हुई है इसका असर अब रूस की इकोनॉमी के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है और रूस की करेंसी में लगातार गिरावट आती दिखाई दे रही है। तो सबसे बेहतरीन अब जो इन्वेस्टमेंट लग रही है वो गोल्ड के अंदर लग रही है, जिसकी वजह से सोना ऊपरी स्तरों पर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। यहाँ से अब 52,500 से लेकर 53,000 की तेजी की तरफ सोना जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि कल के मुकाबले जो कीमतें हैं उनमें एक थोड़ी करेक्शन देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड ऑयल इस समय $112 पर है, 1.5% की बढ़त है। WTI $109 पर है, 2% की बढ़त के साथ। रूपा जी, देख रहे हैं कि कच्चे तेल की सप्लाई जब डिस्टर्ब होती है जब तो जो कंट्रीज होती हैं वो अपने ऑयल रिजर्व से ऑयल निकालती है। भारत में भी ऐसा हो रहा है, जापान भी अपने ऑयल रिलीज कर रहा है, अमेरिका में भी अपने ऑयल रिलीज किए गए हैं। इनफैक्ट अमेरिका में क्रूड की इन्वेंट्री में डाउनफॉल भी देखने को मिल चुका है। ऐसे में अब एक और खबर निकल के सामने आई है कि जो ईरान की जो न्यूक्लियर डील थी वो रिवाइव हो सकती है, और अगर रिवाइव होती है तो जो ईरान है मार्केट में क्रूड का एक्सपोर्ट यानी क्रूड की जो सप्लाई है ज्यादा कर पाएगा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या क्रूड की कीमतें इन सेंटीमेंट्स के चलते क्या अभी कुछ नीचे जाती नजर आ सकती हैं? देखिए, अभी फिलहाल ऐसी कोई स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अभी जो कच्चा तेल है वो तेजी की तरफ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रूस के ऊपर जो प्रतिबंध लगते दिखाई दे रहे हैं उससे सप्लाई का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूती नजर आ रही है। क्योंकि काफी बड़े जो रूस जो है काफी देशों को क्रूड की सप्लाई करता है और अब सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है, इसकी वजह से कीमतों के अंदर उछाल देखने को मिल रहा है और इसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी आते हुए दिखाई दे सकता है। वहीं ओपेक देशों के अंदर भी अभी फिलहाल तेल के प्रोडक्शन को बढ़ाने को लेकर कोई बहुत बड़ी जो है अपडेट निकलकर नहीं आया है, तो इसी वजह से चारों तरफ से अगर देखा जाए तो सप्लाई का संकट फिलहाल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कहीं से ईज ऑफ आता नजर आया तो क्रूड की कीमतें हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन में जाए, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई स्थिति बनती दिखाई नहीं दे रही है। अब यहाँ से कच्चा तेल $120 तक ऊपर में जाता हुआ दिखाई दे सकता है।
जी रूपा जी, बात करें इसके साथ बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं लगातार तेजी का दौर जारी है। एमसीएक्स निकल देख रहे हैं आज भी 2000 के ऊपर सस्टेन है। एमसीएक्स निकल 2111 पर ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स जिंक 329 पर है। एमसीएक्स लेड थोड़ा लुढ़का है। वहीं कॉपर 4.8 डॉलर्स पर ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में 1.25% की तेजी के साथ। रूपा जी देख रहे हैं कि बेस मेटल्स भी काफी शानदार परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या बेस मेटल्स में निचले स्तर पर ही खरीदारी में रहा जाए? देखिए बेस मेटल में सबसे ज्यादा तेजी जो है एल्यूमिनियम के अंदर आती हुई दिखाई दी है और निकल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। 2100 के ऊपर निकल चुका है, जो कि हम लगातार बताते आ रहे थे कि जिंक और निकल में अच्छी तेजी बन सकती है। इनफैक्ट कॉपर में भी लेवल्स जो है वो अचीव होते हुए दिखाई दिए। 820 के ऊपर आज कॉपर भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार सभी बेस मेटल्स के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और अभी भी एक्सपेक्टेड है कि ये कंटिन्यूशन में रह सकती है। काफी सालों के बाद हमने ये लेवल आते हुए देखे हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि आगे चलकर इनकी डिमांड और ज्यादा पिकअप हो सकती है और इनकी कीमतों के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए मार्केट पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि यहाँ से जो लेवल्स की अगर बात की जाए तो कॉपर 840 तक ऊपर में सस्टेन कर सकता है। वही निकल 2140 से 2160 तक की अपसाइड में जाता हुआ दिखाई दे सकता है और जिंक भी यहाँ से 332 से 340 तक ऊपर में सस्टेन होता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी ओवरऑल सभी कमोडिटीज के अंदर तेजी का रुझान है। नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो अभी भी फिलहाल बाजार तेजी की तरफ है। इन लेवल्स के ऊपर अभी बाइंग करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, करेक्शन के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, नेचुरल गैस पे आपकी क्या सलाह रहेगी? नेचुरल गैस भी देख रहे हैं कि हरे निशान पर ट्रेड कर रही है। 4.8 डॉलर्स पर नेचुरल गैस निकली है और 1.5% की बढ़त है। नेचुरल गैस की भी सप्लाई देख रहे हैं कि उसमें चिंताएं जाहिर की जा रही है कि नेचुरल गैस की भी जो सप्लाई है वो बाधित हो सकती है। आपकी क्या राय रहेगी नेचुरल गैस में, अभी क्या दाव लगाकर चलना सही है? लेकिन नेचुरल गैस भी और सभी कमोडिटीज की तरह इसमें भी एक रैली आ रही है और एनर्जी संकट तो वैसे ही गिराता हुआ दिखाई दे ही रहा है। तो ऐसे में नेचुरल गैस भी 380 तक ऊपर में एक बार जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि 400 का भी सर्च होता हुआ नजर आए। जिस तरीके से अभी का सिनेरियो है ये पॉजिटिव है, लेकिन खबरों पर नजर बनाकर रखनी होगी। सभी देशों की तरफ से क्या अपडेट्स निकल कर आता है इनके ऊपर भी ध्यान रखना होगा और उसी के हिसाब से मार्केट जो है वो रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए एनर्जी संकट काफी बड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और सभी बैंकों ने रूस के ऊपर काफी तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। उनके सेंट्रल बैंक के ऊपर भी ट्रांजेक्शन पर रोक लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो असर आता हुआ दिखाई दे रहा है वो पूरी इकोनॉमी के ऊपर रूस की आता हुआ दिखाई दे रहा है और जो चीजें रूस एक्सपोर्ट करता है उसका असर अभी फिलहाल पूरी दुनिया के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिसकी वजह से कीमतें तेज हो रही है और इसका असर रोजमर्रा की चीजों के ऊपर भी आपको आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि क्रूड में जो तेजी आ रही है उसका असर सभी वस्तुओं के ऊपर आता हुआ नजर आ सकता है, जिसके चलते काफी चीजें महंगी होती है अब आगे चलकर नजर आएंगी। रूपा जी, हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन टॉपिक्स के देने चाहेंगी नॉन एग्री में, जिनमें अच्छा मुनाफा कमाकर चला जा सकता है? देखिए नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी भी आपको जो है सोने और चांदी के अंदर ही डिप पर खरीदारी की रणनीति अपनानी चाहिए और साथ में बेस मेटल्स में भी बाइंग करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, नॉन एग्री में आने वाला कारोबारी सप्ताह कैसा साबित हो सकता है? क्या आने वाला कारोबारी सप्ताह भी नॉन एग्री कमोडिटीज में तेजी वाली रहेगा? देखिए अगर रूस और यूक्रेन के बीच में जो संकट है वो कम नहीं होता है तब अगला हफ्ता भी तेजी, कोई बातचीत नहीं होती, कोई मसला नहीं निकलता, तब तक बाजारों में तेजी बनी रह सकती है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की।